व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से करेले की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार हम भरवा करेले बनाकर तैयार करेंगे। तो करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी खाने में, मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। मैंने सबसे पहले करेले लिए हैं, इनको मैंने धोकर छिल लिया है, इसके बीच में कट लगाकर मैंने इनके बीजों को निकाल लिया और उसके नमक के पानी में मैंने गला दिया है। बाद में हम इसे 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे 10 मिनट गलने के बाद। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने तेल डाला है, तेल को मैं गर्म होने दूँगी। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, जैसे साबुत धनिया, जीरा और थोड़ी सी हिंग, आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी डाल दीजिए। और मैंने प्याज कट करके रखे थे मीडियम साइज़ के, तो ये प्याज भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहे तो इससे भी बारीक कट कर सकते हैं, क्योंकि प्याज हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो ये थोड़े बारीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे तेल के अंदर भूनेंगे। हमें सिर्फ इनका कच्चापन निकालना है, हमें इनको ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया। अब इनको भी हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर अमचूर डालेंगे, आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, नमक इसमें हम कम ही डालेंगे और काला नमक थोड़ा टेस्टी लगता है खाने में, इस वजह से थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। तो मसाले को हम अच्छे से चला लेंगे तेल के अंदर। अब हम ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ताकि इस मसाले में से अच्छी सी खुशबू आए और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगे। अब हमारा मसाला रेडी है, अब हम इसे चम्मच की सहायता से इसमें करेले में भरेंगे ताकि इजीली भरने आ जाए करेले के अंदर। अब हम इसे एक मोटे डोरे या फिर गिट्टी का डोरा होता है उससे बांध देंगे, डोरे को अच्छे से लपेट देंगे ताकि इसका मसाला बाहर नहीं आए। ऐसे करके हम सारे करेले को इस तरह से भर लेंगे और उन पर डोरा बांध देंगे। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर तेल गरम करेंगे। हमने जो करेले भर कर रखे थे अब वो हम फ्राई करने के लिए तेल के अंदर डाल देंगे। एक एक करके सारे करेले हम इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें हम लो टू मीडियम आंच पर भूनेंगे। शुरू में हम फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसे लो टू मीडियम आंच पर भूनेंगे और ये करेले हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो तैयार है हमारी भरवा करेले की सब्ज़ी। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।